डेंसिटी, मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ये सब आपस में एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं। चार्ज डेंसिटी या करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होती है कि सपोज करो आपके पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से ये क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट पास कर गया टोटल टोटल, और कितने एरिया में से कर गया। तो अगर मान लो इसमें डेल्टा आई इस चेंज इन करंट देखा गया, और जब एरिया कितना है इसका डेल्टा एस, तो कितना करंट पास कर गया कितने एरिया में से उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट की डेंसिटी आ जाएगी। करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होगा, जे। तो जे इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा एस। ये स्टेप क्लियर है? तो करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने टोटल चेंज इन करंट अपॉन टोटल सरफेस एरिया लिया तो इसका नाम क्या होगा, एवरेज करंट डेंसिटी। पर ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि करंट डेंसिटी यहाँ पर सेम हो। करंट डेंसिटी का मतलब है कि सपोज करो अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर मैं ये बताता हूँ कि इसके सेंटर के यहाँ से तो बहुत करंट पास हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा करंट पास हो रहा है, पर इनमें साइड पर इतना करंट पास नहीं हो रहा, क्योंकि वायर तो बहुत मोटी है, तो हर पॉइंट पर सेम करंट तो नहीं पास हो सकता। हो सकता है कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास कर रहे हैं, कहीं पर कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने एरिया में से ज़्यादा करंट चला गया, उतने एरिया में से कम चला गया। हम बोलेंगे जहाँ पर ज़्यादा करंट चला गया एरिया में से तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और जहाँ कम जा रहा है वहाँ डेंसिटी कम हो गई। कोई डाउट इसमें? तो यानी कि डेंसिटी की वैल्यू कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो डेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पर डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो, और हमें पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी कैन चेंज। तो इसके अंदर अगर वही चीज़, अगर एरिया बड़ा है, बड़े एरिया में से डेल्टा आई टोटल करंट पास कर गया, तो डेल्टा आई बाई डेल्टा एस क्या है, करंट डेंसिटी, एवरेज करंट डेंसिटी। और अगर एरिया बड़ा ना होते हुए छोटा है, बहुत छोटा है, तो लिमिट डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में क्या होगा, ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डी आई बाई डी एस। इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी, जो हर एरिया के ऊपर डिफरेंट वैल्यू रख सकती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी आई क्या आएगा, जे इंटू डी एस, और टोटल करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो टोटल करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डी एस। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको यूज कैसे करना है मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, जो करंट डेंसिटी होती है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी स्केलर नहीं है, करंट डेंसिटी वेक्टर है। करंट डेंसिटी ये डायरेक्शन देख लेते हैं, जैसे सपोज करो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर का एरिया ले लिया आपने एस, इसका एरिया सर क्रॉस सेक्शन का एस है, और इसके अंदर करंट राइट की तरफ जा रहा है। करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो उसी तरफ होती है जहां करंट जा रहा होता है। तो करंट अगर राइट जा रहा है तो करंट डेंसिटी राइट की तरफ होगी, करंट अगर लेफ्ट जा रहा है तो करंट डेंसिटी लेफ्ट की तरफ होगी। या कई लोग ऐसे बोलते हैं कि करंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म में इस करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, पीछे लगाएंगे एस कैप। एस कैप स्टैंड फॉर एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर राइट भी हो सकता है, एस कैप एरिया वेक्टर लेफ्ट भी हो सकता है, यूनिट वेक्टर। हम एरिया वेक्टर को कहां लेते हैं, जहां करंट जा रहा है। करंट कहां जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो एस कैप भी कहां जाएगा, टुवर्ड्स राइट, तो एस कैप। सीधा सीधा यही बोल देते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में एस कैप होगा, उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी। तो सिंपल है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट के साथ ही रहती है। ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सीधा है, सीधा का मतलब वायर एकदम यूनिफॉर्म है ऐसी, फिर तो ये फॉर्मूला लगता है सही है, आई बाई एस। लेकिन अगर किसी ने वायर को काट दिया, कट कर दिया, ये देखो मैंने काट दिया, कट कर दिया, टेढ़ा कर दिया क्रॉस सेक्शन, अब करंट तो इसमें से भी पास होना ही है, सीधा हो या टेढ़ा हो करंट तो करंट है। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन सीधा होता मेरे हाथ की तरह, फिर एरिया वेक्टर ऐसा होना था, एस वेक्टर। और अगर ये टेढ़ा है तो एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर टेढ़ा हो जाएगा। तो आपने ये एरिया नहीं लेना, अब आपने एरिया का क्या ले लेना है, कॉम्पोनेंट। और ये कॉम्पोनेंट क्या आएगा, मेरे हाथ के साथ परपेंडिकुलर एस कॉस थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एस वेक्टर है, तो एक कंपोनेंट आपने कौन सा लेना है जो एरिया के परपेंडिकुलर है, और एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, एस कॉस थीटा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर थीटा जीरो हो, अगर थीटा जीरो हो
तो ऑब्वियसली एस कॉस जीरो क्या हो जाएगा, एस, और ये वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये वाला केस बन जाएगा। पर अगर टेढ़ी वायर कटी हुई है तो आपको एरिया वेक्टर कहाँ लेना है, परपेंडिकुलर, तो आपको एस नहीं लेना, आपको एस कॉस थीटा लेना है। तो इस केस में करंट डेंसिटी क्या आएगी, आई करंट डिवाइडेड बाई एस, नहीं, आई करंट डिवाइडेड बाई एस कॉस थीटा। तो इस केस में आई क्या हो जाएगा, जे एस कॉस थीटा, और जे इज अ वेक्टर, एस इज अ वेक्टर, पर करंट इज अ स्केलर, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो करंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गया जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो करंट को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये तरीका है करंट को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने का। कोई डाउट इसमें, क्लियर है नितिक? जैसे ये क्वेश्चन पढ़ना, देखो क्वेश्चन है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है कितना, 4x square। x का मतलब है डिस्टेंस ऑफ, ये वायर है, ये एक्सिस है, और ये डिस्टेंस है x फ्रॉम द एक्सिस। x अगर जीरो है तो करंट डेंसिटी j जीरो है, x जीरो का मतलब एक्सिस के ऊपर खड़े हुए हो आप, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर, x जीरो पे, तो करंट डेंसिटी जीरो का मतलब वहां पर कोई करंट नहीं है, तो कोई करंट नहीं जाएगा एक्सिस पे। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर की तरफ आ रहे हो, टुवर्ड्स, यहां पर एक्स बढ़ता जा रहा है, जे बढ़ता जा रहा है, करंट डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो करंट बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे एक्सिस के ऊपर करंट जीरो है, जैसे जैसे दूर जाओगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम करंट कहां पर होगा, बाउंड्री पे, आर पे, उसे बाहर तो हवा ही आगे करंट ही नहीं होगा। तो कंडक्टर के अंदर यहां यहां करंट सबसे ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा। आपको बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन में से सबसे कम करंट एक्सिस पे है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, टोटल करंट कितना है ये बताना है जो वायर में से मूव कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे क्रॉस सेक्शन को इमेजिन कर लिया, बहुत सारी जो ये जो डिस्क की तरह काम कर रहा है या क्रॉस सेक्शन है, ये बहुत सारी रिंग्स का बना हुआ है। मैं एक रिंग का स्मॉल करंट निकालूंगा, मैं सभी रिंग्स का करंट मिला दूंगा और मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले मैंने कोई भी एक रिंग ले ली, यहां पर इस रिंग में से, इस शेडेड पोर्शन में से कितना करंट निकल रहा है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप चेक करो, ये जो रिंग ली, इसका रेडियस क्या लिया मैंने एक्स, और थिकनेस क्या ली मैंने डीएक्स। तो जो कलरफुल, ये जो ब्लू कलर में छोटा छोटा ये एरिया दिख रहा है, इसके अंदर अंदर, रिंग के अंदर अंदर, उसका एरिया क्या होगा, 2πx into dx। कोई डाउट इसमें? तो एरिया क्या होगा, 2πx into dx। ठीक, तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो एरिया वेक्टर भी कहां होगा, ऊपर। करंट डेंसिटी भी कहां होगी, ऊपर। तो इसमें रिंग में स्मॉल करंट निकालते हैं, पहले रिंग का स्मॉल करंट क्या होगा, डी आई, और फॉर्मूला क्या लगेगा, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो इसमें क्या लगेगा, जे इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि जे भी ऊपर है और डी एस भी ऊपर है। क्लियर है यहां तक? तो जे की वैल्यू पुट कर लेते हैं 4x square, J is equal to 4x square, और एरिया रिंग का कितना है, 2πx into dx। तो एरिया की वैल्यू क्या होगी, 2πx into dx। पुट कर दिया, स्मॉल करंट आ गया रिंग में से, टोटल करंट निकालना है, तो 0 से लेके r तक, क्योंकि जो आखिरी वैल्यू है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, r, और x की वैल्यू 0 एक्सिस से बाउंड्री तक जाना है, तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके r तक अगर इंटीग्रेट करें तो टोटल करंट कैन बी कैलकुलेटेड।
तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स 4/4, एक्स की जगह आर और जीरो, दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल करंट जो इस पूरे वायर में से पास कर रहे हैं। तो करंट डेंसिटी की क्या एप्लीकेशन है समझ में आ रही है, टोटल करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी ये पता होना चाहिए। ठीक, ओके यहाँ तक क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या वेलोसिटी है इसको एक बार देखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं,